नमस्कार, आज हम ग्राम सभा जोकारनाथ में मौजूद है। हमारे बीच ग्राम प्रधान प्रत्याशी, जो युवा प्रत्याशी हमारे बीच मौजूद हैं, विनोद जी। इनसे हम जानते हैं कि इनकी क्या रणनीति है इस चुनाव को लेकर। सर बताएं। ये समय अभी पिछला जो भी चुनाव रहा है तो कुछ विशेष काम नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे यूथ को प्रमोट करना है और सरकार की जो भी नीतियाँ हैं उनको लेते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम सभा का, अपने जो क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है और अच्छा काम करना है। इसके लिए मुद्दे पाप, जी विकास के मुद्दे पाप, बिल्कुल विकास का मुद्दा है। पिछले 25 साल से हमारे यहाँ कुछ हुआ नहीं है। थोड़ा सा जागरूकता कम थी, लोग नहीं समझते थे, लेकिन इस बार जो है समय से रह के और समाज सेवा करते हुए हमने काफ़ी लोगों को जागरूक किया है और कहीं ना कहीं मेरी सोच अच्छी है। और इसके साथ साथ सभी लोगों का एक सहयोग भी मेरे साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद भी है, गार्जियन स्वरूप जो भी लोग हैं मुझे अच्छा प्रमोट करते हैं, अच्छा सपोर्ट करते हैं, तो अच्छा काम करेंगे हम लोगों को। अब देखा जाए तो यहाँ पर ओबीसी एससी जनरल, यहाँ पर किस लोग, कौन से लोगों की जनसंख्या है? देखिए, जनसंख्या ओबीसी की सबसे ओवरऑल सबसे ज़्यादा है हमारे यहाँ। और क्योंकि लोग थोड़ा सा दिक्कत यह है कि जागरूक नहीं थे, इतना समझते नहीं थे, और हर कोई अपनी जो है जिम्मेदारी को नहीं समझता है, कहीं ना कहीं वो अपने अधिकार को नहीं समझते थे, और ये सारी चीज़ें थी। तो समय समय पर जागरूक किया गया है, बताया गया है बिल्कुल। और मेरा कहीं ना कहीं सोच ये ज़रूर रहेगा कि अच्छा काम किया जाए, सबको जो है एक अच्छा सामंजस्य बनाते हुए, अधिकारियों से कर्मचारियों से सबसे जो है एक अच्छा जो है संयोग सामंजस्य बनाते हुए और अच्छा काम किया। अगर देखा जाए तो यहाँ पर चुनाव नज़दीक आ गया है, बूथ स्तर पर अगर आप लोग बूढ़े बुजुर्ग हैं जो लोग नहीं जा पाते हैं उनके लिए क्या सुविधा है आप अपने तरफ? अपना पर्सनल खुद का जितना अपना जो है मान लीजिए सामर्थ्य है उस हिसाब से करते हैं। अभी हम आपको इस चीज़ को एक्सपोज नहीं कर सकते कि अभी हम क्या कर देंगे। तो मोस्टली ऐसे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं बाइक से या फोर व्हीलर से कुछ अपना कैरी करके लाते ही हैं और रोड जो है उस तरह से उसको मिल जाता है सबको। अगर 5 सालों में अगर चुनाव अगर निकलता है तो अगला सोच क्या रहेगी इस 5 सालों में? 5 साल में पहली बात तो बेसिक चीज़ें जो आधारभूत हैं वो जो नहीं हुआ उसको सुधारेंगे और अच्छा काम करना है, गरीब को लाभ दिलाना है जो कि मिलता नहीं। मोस्टली यहाँ पे हमारे यहाँ 25 साल से कभी भी आवास तो बना ही नहीं, जो कि एक जो है अधिकार है लोगों का, उनको मिलना चाहिए था। किसी का कोई अप्रोच नहीं रहा, किसी की कोशिश नहीं रही कि कम से कम जिले तक जाता, ब्लॉक तक जाता और लोगों को जागरूक करके उनका जो है अधिकार उनको दिलाता, उनका लाभ उनको सीधे तौर पर दिलाता। हमारे बीच है विनोद जी जो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि मैं अगर चुनाव जीतता हूं तो ग्राम सभा जोकारनाथ के लिए मैं पूरा विकास कराऊंगा। देवरिया से रवि प्रकाश बादल की।